Students, today we are going to continue the same chapter, that is chapter number 8. The name of our chapter is verb. Okay, so in this video we are going to learn classification of verbs. Verbs can also be classified into two other categories depending upon their functions. Abhi humne verbs ko fir se classify karenge two categories mein, jisme unke functions ke upar wo depend karenge ki kaun sa verb किस कैटेगरी में जाएगा. ओके, द मेन और प्रिंसिपल वर्ब. इसमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वर्ब का, वो मेन एंड प्रिंसिपल वर्ब्स है. वर्ड्स सच एज रन, स्टडी, सिंग, डांस, प्ले, एक्ट एंड सो ऑन आर एग्जांपल्स ऑफ मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स. द फॉर्म ऑफ वर्ब्स टू विच एन एंडिंग कैन बी एडेड और विच कैन बी चेंज टू गेट अनदर फॉर्म इज नोन एज द बेस फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब. द मेन और प्रिंसिपल वर्ब कैन फर्दर बी डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर यूज इन द सिंपल पास्ट और द पास्ट पार्टिसिपल. दे आर अ रेगुलर वर्ब्स, बी इरेगुलर वर्ब्स. वर्ब्स जस्ट लाइक रन, स्टडी, डांस, प्ले, ये सारे जो हैं ये मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब्स कहते हैं हम इनको. क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इन्हीं वर्ब्स के बाद में या तो कुछ भी ऐड करके इनको पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं. मेन वर्ब्स या प्रिंसिपल वर्ब को फिर से हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होता है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब्स. दोज वर्ब्स हुज सिंपल पास्ट एंड पार्टिसिपल कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग डी और ईडी टू द बेस फॉर्म आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं जिसके बेस फॉर्म में जब हम डी या फिर ईडी का यूज करके उसको पास्ट या पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं. जस्ट लाइक डांस, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है डांस्ड में, हमने सिर्फ डी का ऐड किया तो इसको हमने पास्ट फिर उसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर लिया. प्ले बेस फॉर्म है, इसमें हमने ईडी का ऐड किया तो इसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में हमने इसको चेंज कर लिया. नाउ व्हाट इज इरेगुलर वर्ब? दोज वर्ब्स हुज सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल कैन बी फॉर्म्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स. ऐसे वर्ब्स जो पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करने के अलग अलग तरीके होते हैं वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं. जस्ट लाइक सी, सॉ, सीन, गिव, गेव, गिवन, सेक, सुक, सेकन, अवेक, अवोक, अवेकन एक्सेट्रा. ओके, सो यहाँ पर हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट द मेन और प्रिंसिपल वर्ब, उसके फिर से टू क्लासिफिकेशन रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब. Now we are going to read auxiliary or helping verbs. Auxiliary or helping verbs are those verbs that are used with another verbs. Okay, to make tenses, passive form, etc. For example, be, is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did, can, will, shall, etc. Auxiliary or helping verbs are further divided into two categories. First one is primary auxiliaries and second one is modal auxiliaries. Auxiliaries or helping verbs ऐसे verbs होते हैं जो हमें passive form को use करने के लिए use करते हैं, उनको tenses में हम use करते हैं. Just like हम is, am, are का use present tense में करते हैं, है ना. was, were का past tense में करते हैं, has, have present tense में use करते हैं, had का use हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, है ना. डस एंड डू का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं एंड डिड का यूज पास्ट के लिए करते हैं. ओके, एंड विल एंड शैल का यूज हम फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं. तो ये सारे जो हम जिसे टेंसेस का पता चल रहा है होता है, ये सारे वर्ड्स जब वर्ब्स होते हैं जो ये ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ऑक्सिलरीज को हम फिर से टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकेंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरीज. What is primary auxiliaries? Primary auxiliaries verbs are those helping verbs which help to form tenses, questions, passive voice, etc. Primary auxiliaries ऐसे verbs होते हैं जो हमें tenses को form करने में, questions करने में, passive voices में हमें help करते हैं. Their forms changes according to the number and person of subject. इनके जो forms होते हैं वो person के according change हो जाते हैं, numbers के according change हो जाते हैं subjects के. जैसे कि he के साथ हम is का use करते हैं, they के साथ but present tense में हम are का use करते हैं, past में जब हम जाते हैं were का use करते हैं हम you के साथ, है ना. And present में हम होते हैं तो you के साथ हम
आर का यूज करते हैं ए, तो ये सारे नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें याद रखने पड़ते हैं कि किसके साथ इज यूज करना है, किसके साथ हैज यूज करना है, किसके साथ हैव यूज करना है। तो ये जो वर्ब्स होते हैं ऑक्सिलरीज, वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। ओके, सो बी इज एम आर वॉज वर बीन बींग हैज हैव हैड डू डस डिड हैव पासर्स ऑप्टेन। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी क्लियरली। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये आपको बहुत अच्छे से बताएगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। जस्ट लाइक आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, यू वी दे के साथ आर, ही शी के साथ इज का यूज करते हैं, आई के साथ वॉज का यूज करते हैं, यू वी दे के साथ वर का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जो वर्ड्स देखे ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। कौन कौन से? एम, आर, इज, वॉज, वर, है ना। ये सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरीज। द मॉडल ऑक्सिलरीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब। जो मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। दे हेल्प द मेन वर्ब्स टू टेल द मैनर इन विच द एक्शंस आर डिनोटेड बाय द मेन वर्ब। देयर फॉर्म डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। उनके फॉर्म जो होते हैं पर्सन्स के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी कुड बी द विनर ऑफ द प्राइज। हियर कुड सोर्स पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग। तो यहाँ पर जो मॉडल ऑक्सिलरीज है वो कुड है ना। अब इस कुड के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर्स के अकॉर्डिंग हम कुड को चेंज करें, है ना। चाहे हमारा नंबर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हम उसके साथ में कुड का ही यूज करेंगे, है ना। जहाँ पर हमें अगर पॉसिबिलिटीज शो करनी है तो वहाँ पर हम कुड का यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे इसका मीन्स क्या है? सी कुड बी द विनर ऑफ द प्राइज, मतलब वो प्राइज की विनर हो सकती थी। मॉडल ऑक्सिलरीज आर, अब यहाँ पे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जस्ट लाइक मे, विल, वुड, शैल, मस्ट, कैन, नीड, शुड, माइट, कुड, ऑट टू, डेयर, यूज टू। ओके, सो मॉडल ऑक्सिलरीज कैन नेवर स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। मॉडल ऑक्सिलरीज कभी भी सेंटेंस पे अकेले स्टैंड नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट ओपन पेज नंबर 61। इन दिस पेज नंबर वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आकाश इज स्ट्रॉन्ग, आकाश कैसा है? आकाश स्ट्रॉन्ग है। द बॉय लुक्स हैप्पी, बॉय कैसा दिखता है? बॉय हैप्पी दिखता है, है ना। तो जहां पर हमें ऐसा पता चले कि वो क्या है, सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है कि वो क्या है या वो कैसा दिखता है, तो ये होते हैं लिंकिंग वर्ब। द वर्ब इन दीज टू सेंटेंसेस आर नॉट वर्ब ऑफ एक्शन। यहाँ पर कोई भी जो वर्ब है ये कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। दे टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और लुक्स, ये हमें ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है या वो कैसा दिखता है। एंड नॉट वॉट द सब्जेक्ट डज, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि वो सब्जेक्ट करता क्या है, सिर्फ वो क्या है या फिर वो क्या दिखता है, कैसा दिखता है ना। जब हमें ऐसा कुछ पता चलता है वो होता है लिंकिंग वर्ब। सच वर्ब्स ज्वाइन द सब्जेक्ट टू सम वर्ड्स विच डिस्क्राइब इट, दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। दे आर समटाइम्स कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन बिकॉज दे रिक्वायर अनदर वर्ड कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्म अ कम्प्लीट प्रिडिकेट। ये जो कभी कभी वर्ब्स होते हैं इनको हम इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इनको कुछ अदर वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे उनका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो सके, है ना। सो दस द वर्ड स्ट्रॉन्ग विच टेल अस व्हाट आकाश इज एंड विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिडिकेट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। सम एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू, जस्ट लाइक द बॉयज मेड ग्रेट नॉइस। ओके, यहाँ पे जो मेड वर्ड है वो कोई वर्ब एक्शन के लिए नहीं यूज हो रहा है, यानी कि बॉयज जो है वो बहुत शोर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मेड क्या है, वो लिंकिंग वर्ब है। ही वेंट मैड, वैसे वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है, गो का मीन्स होता है कहीं जाना, बट यहाँ पे ही वेंट मैड मतलब वो पागल हो गया है। तो यहाँ पर वेंट वर्ड जो है वो लिंकिंग वर्ब है। जूली बिकेम सैड, बिकेम यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं है, जूली का मूड शो करने के लिए यहाँ पे बिकेम वर्ड यूज हुआ है, तो ये भी लिंकिंग वर्ब है। नाउ वी विल रीड
मेकिंग वर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, यानी हम एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बनाते हैं। वी कैन मेक वर्ब फ्रॉम सम एडजेक्टिव्स बाय एडिंग द प्रीफिक्स en एंड सफिक्स en और isz, izt। ओके, यानी हम एडजेक्टिव्स में से वर्ब को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं, जैसे कि en। प्रीफिक्स यानी पहले हम en का यूज करेंगे किसी वर्ड के, जैसे कि यहाँ पर वर्ड आप देख रहे हैं एबल, तो हमने en को पहले यूज किया इस वर्ड के, एनेबल हमने वर्ब में इसको चेंज कर लिया, लार्ज इन लार्ज, रिच इन रिच, श्योर एंड इनश्योर। तो ये जो हम पहले किसी भी वर्ड के पहले अगर हम en का यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। एंड द सफिक्स, सफिक्स क्या होता है, जो हम वर्ड के लास्ट में ऐड करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो ब्रॉड, ब्रॉडन, en हमने लास्ट में जब लगाया तो वो क्या बन गया, सफिक्स, और en जब हमने स्टार्टिंग में लगाया तो वो क्या हो गया, प्रीफिक्स, चीप, चीपन, डीप, डीपन। अब ये देख रहे हो आप सब में, यहाँ पर ये सारे सफिक्स हैं, ऑल द वर्ड्स दे आर सफिक्स। ओके, फ्लैट, फ्लैटन, हमने en यहाँ पे भी लगाया तो यहाँ पे हमने सफिक्स का यूज किया है और इनको एडजेक्टिव से वर्ब में चेंज किया है। नाउ टर्न पेज नंबर 62। By adding the suffix ise or ize, suffix यानी हम वर्ड के बाद में यूज करेंगे, जैसे equal, equalize, ize का यूज किया हमने, familiar, familiarize, fertile, fertilize, modern, modernize, तो हमने ise और ize का यूज करके हमने इनको एडजेक्टिव से वर्ब में चेंज किया, मेकिंग वर्ब फ्रॉम नाउन। अब हम पढ़ेंगे कि हम वर्ब कैसे बनाते हैं नाउन से। वी कैन मेक वर्ब्स फ्रॉम नाउन्स बाय यूजिंग द सफिक्स ise और izd, en और fy एंड प्रीफिक्सेस en और be। बाय यूजिंग द सफिक्स ise और ize, यानी हम सफिक्स का यूज कर रहे हैं अभी नाउन्स में, apology, apologize, colony, colonize, criticize, economy, economize, तो हमने इस तरह से नाउन से वर्ब में चेंज किया। बाय यूजिंग द सफिक्स en, सब हम सफिक्स en का यूज करते हैं, तो कैसे हम नाउन से वर्ब में चेंज किया करेंगे, फ्राइट, फ्राइटन, हेस्ट, हेस्टन। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने en लास्ट में ऐड किया और हमने नाउन से इसको वर्ब में कन्वर्ट कर लिया। नंबर 3, बाय यूजिंग द सफिक्स fy, ब्यूटी, ब्यूटीफाई, क्लास, क्लासीफाई, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलीफाई, ग्लोरी, ग्लोरीफाई, तो इस तरह से हमने नाउन्स को वर्ब में चेंज किया। फोर्थ, बाय यूजिंग द प्रीफिक्स en, अब हम प्रीफिक्स यानी वर्ड के पहले वर्ड ऐड करेंगे, जस्ट लाइक केस, इन केस, कैंप, इन कैंप, सर्कल, इन सर्कल, करेज, इन करेज, डेंजर, इन डेंजर, फोर्स, इन फोर्स। नंबर 5, बाय यूजिंग द प्रीफिक्स be, बी का यूज करके भी हम नाउन से वर्ब में चेंज कर लेते हैं, जस्ट लाइक फूल, बी फूल, फ्रेंड, बी फ्रेंड, हैड, बी हैड, सीज, बी सीज। ओके, Now our chapter is finished. You have to read the chapter properly and what are the classification of verbs and after that start completing the book exercise of this chapter. Stay safe, stay healthy and keep learning.